खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय नौसेना के इतिहास में शनिवार सबसे बड़ा दिन साबित हुआ। ये वो मौका था जब देश के सामने स्वदेशी विमान ने पहली सफल लैंडिंग की। देखिए रिपोर्ट। ये तारीख ऐतिहासिक है। महज 12 सेकंड लगे इस इतिहास को बनने में। भारतीय नौसेना के लिए ये गौरव का पल है। न सिर्फ नौसेना बल्कि पूरे भारत को फक्र है इस तस्वीर पर। यह है भारत का विमान वाहक बोट INS विक्रमादित्य और इस पर लैंड कर रहा है भारत का पहला हल्का स्वदेशी विमान तेजस। ये पहली बार है जब कोई स्वदेशी लड़ाकू विमान किसी विमान वाहक बोट पर उतरा है। अरिस्टर वायर की मदद से ये सफल लैंडिंग कराई गई। आप देख सकते हैं लैंडिंग के बाद तेजस कुछ आगे गया फिर थोड़ा पीछे आया। ये अरेस्टर वायर की वजह से हुआ है। तेजस की सफल लैंडिंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर खुशी जताई। DRDO द्वारा विकसित तेजस की INS विक्रमादित्य पर पहली लैंडिंग के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। ये सफल लैंडिंग भारतीय लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम के इतिहास में एक शानदार लम्हा है। इस सफलता के लिए DRDO और नौसेना को बधाई। तेजस हल्के लड़ाकू विमानों में भारत की पहली कामयाबी है। देश की शान बढ़ाने वाला। तेजस का वजन 12 टन है और इसकी लंबाई 13.2 मीटर है। तेजस की ऊंचाई 4.4 मीटर है और रफ्तार 1350 किलोमीटर प्रति घंटा। R-17 एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और मेक इन इंडिया अस्त्र मिसाइल से लैस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तेजस में हवा में ईंधन भरा जा सकता है।